सो भाई काफ़ी वेट करने के बाद ये आ गया। यार आप लोगों को जैसा बोला था कि कुछ सामान नहीं आया है, और कैसे आया सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और ये सारा सामान मेरा, ये देखिए इतना सारा सामान हमको ये करना पड़ा। सो ये कैमरा, ये इंस्टा 360, और ये सेल्फी स्टिक, और जो है ये जो है ऑनलाइन मंगाया था। और ये जो है आप लोगों के क्या ही बताऊँ, पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे आया। और आज मैंने ये सब लिया था, एक कवर, ये। लेकिन आपको क्या बताऊँ यार, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग इतने सपोर्ट करते हैं, इसमें भी मुझे एकदम मतलब काफ़ी सस्ता पड़ा, काफ़ी सस्ता। नॉर्मली मैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। सो चलिए आके पूरा सेट करते हैं और इंस्टा 360 से रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत होने वाला है खास। सो फाइनली अब मैं शूट कर रहा हूँ इंस्टा 360X कैमरा से। और इसको मैंने बताया था कि आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे मैंने ये मंगाया है, कैसे मेरे पास ये आया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये मुझे मिला है। मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाया था कि आप लोगों का मदद चाहिए, मुझे कुछ डिवाइस वगैरह चाहिए जो मैं आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ दे पाऊँ उसके लिए। तो आप लोगों के तरफ से मेरे को काफ़ी सपोर्ट हुआ, लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच आप लोगों के तरफ से अमाउंट आया था। जिसने जितना सका उसने उतना हेल्प किया, किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2 रुपया, किसी रुपया 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1500 तक हाइस्ट किया है। एक कोई पंडित थे जिन्होंने 1500 रुपये का किया था स्टोरी में, और एक मेरे ही भाई हैं राजवीर रूपम, उन्होंने 1000 रुपया दिया था उस समय। और बाकी का जो है मेरे ट्रैवलिंग के दौरान जो भी रास्ते में लोग मिलते गए, उन लोगों से भी मैंने बातचीत की, तो उन लोगों ने जितना जितना हो सका था सपोर्ट किया था। और एक साइकिलिस्ट हैं जो कि अभी ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं बाई साइकिल, वो कर्नाटक के ही हैं, और मैं अभी उन्हीं के पास रुका हुआ। उन भाई साहब ने लगभग 70% अमाउंट उन्होंने ही दिया है। और भाई क्या ही बताऊँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके वजह से मेरे ये आ पाया। और आज मैं शूट कर रहा हूँ, और आज मैं इसलिए बना रहा हूँ, कैमरा मेरा कल ही आ गया था, बट इसका ये कैमरा जब तक आप माइक्रो SD कार्ड नहीं लगाएंगे, यानी कि मेमोरी कार्ड नहीं लगाएंगे, तब तक वो चलता नहीं है। सो आज आया, एक दिन डिले करके कल आने वाला था, तो आज आया और अभी मैं शूट कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता था जिसके लिए मैंने ये मंगाया है, और ये परफेक्ट है आई थिंक। मैं देखता हूँ क्या कर पाता हूँ, इसे किस तरह से यूज कर पाता हूँ, बट मुझे दिखाना था कि मैं विदाउट मनी ट्रेवल कैसे कर रहा हूँ, लोगों का सपोर्ट कैसे मिलता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली जो है मैं अगर चलते चलते कोई सामने से रोका, उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, और अगर फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करूं तो फिर वो रियलिटी नहीं लगता था। लेकिन रियलिटी एक अलग होता है कि किसी सामने वाले पर्सन को पता ना चले कि रिकॉर्ड हो रहा है, और क्या बातें होती है, वो सारा चीज़ अब मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। क्योंकि साइकिलिस्ट बहुत कोई घूम रहे हैं अभी, बहुत कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, बट विदाउट मनी ट्रेवल करना और वो सारे चीज़ों को दिखाना, और कैसे करके मुझे मैनेज करना पड़ता है खाने के लिए, मैं कैसे कैसे लोगों से अप्रोच करता हूँ, या फिर लोग मुझे कैसे सपोर्ट करते हैं, रुकने के लिए मुझे कैसे कैसे दिक्कतें झेलनी पड़ती है, या फिर कैसे मुझे रुकने को मिलता है जो हेल्प करता है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला था। सो अभी फुल सेटअप हो चुका है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब टोटल चीज़ हो गया, आज ये सारा चीज़ हो गया इस सारा चीज़ का। इसीलिए मैं बेंगलोर में इतना दिन से रुका था, और मैं जीतोड़ मेहनत कर रहा था कि कहाँ से ये चीज़ मैं कर पाऊँ, क्योंकि बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है, हाईटेक सिटी है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, और कर्नाटका में काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं, सब सपोर्टिवल लोग हैं। तो मैं जिन जिन लोगों से मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हेल्प किए हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपने इस जीवन में पूरे भारत की यात्रा कर पा रहा हूँ, और लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा, मैं सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी हो कहीं से ना कहीं से आप मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे देश में। उन सारे चीज़ों को दिखाने के लिए मैंने ये मंगाया था, और फाइनली आप ये देख रहे हैं रिकॉर्ड होते हुए। तो ये सेल्फी स्टिक मैंने लगा लिया है, ये सेल्फी स्टिक आज आया और मेमोरी कार्ड आज आया है, और मैंने एक इंस्टा पे डाला था, ये है हार्ड डिस्क, क्योंकि फ़ोन भी बहुत ज़्यादा भर जाता था और इसके लिए हार्ड डिस्क बहुत ज़रूरी था। तो ये भी मैंने आप लोग के हेल्प और पब्लिक सपोर्ट से ही लिया। टोटल चीज़ मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बस जो पब्लिक सपोर्ट और आप लोगों के मदद से जो आया था वही पैसा था।
और ये कवर ले लिया हूँ क्योंकि ये बहुत महंगा है और मैं एक शॉप में गया था तो शॉप में भी ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया और दे दिया सस्ते में। और क्योंकि ये जो है ना लेंस, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, आप लोगों के पैसे से ख़रीदा हूँ, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ ना तो मैं इसे कभी बना नहीं पाऊँगा। इसका लेंस अगर टूट गया, लेंस बाहर है, अगर लेंस टूट गया तो भाई इसका एक लेंस का 18,000 रुपया पड़ जाएगा उसको चेंज करने में या ठीक करने में। तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, तो किसी तरह अभी से लोगों से मदद ले लेके ये भी मैंने ख़रीद लिया है, क्योंकि जब भी मैं इसे रखूँ, ये जो कवर है, इस कवर को मैं ऊपर से लगा दूंगा और रख जाऊंगा। और लोगों से कनेक्ट होने के लिए एक माउंट लिया है, ये भी उसी शॉप से लिया है, ये हैंडल पे लग जाएगा और मैं इसको लगा के ही रखूँगा, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है तो हर वक्त नहीं चला पाऊँगा। सो मेरे पास बैटरी भी नहीं है, एक बैटरी भी चाहिए था। तो हाँ, देखेंगे क्या होगा, नहीं तो फिर आप लोगों से मैं मदद मांगूंगा, वो चाहिए होगा तो। पहले मैं देखता हूँ, अगर मैनेज हो जाता तो बढ़िया बात है। तो ये क्या करूँगा, साइकिल में लगा के और जहाँ भी जैसे देखेंगे कोई रोक रहे हैं तो उनके साथ वहाँ स्टार्ट कर दूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी पहले तो मैं सारा प्रोडक्ट आप लोग को दिखा ही दिया था और काफ़ी एक्साइटेड था, बट मैं अभी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो बाहर का व्यू दिखा था कि इससे कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, 360 सारा कुछ दिखा था। लेकिन आज तो नहीं हो पा रहा है, कल मैं देखूँगा कि बाहर लेके जाऊँगा और सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, और व्यू बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो जो भी नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। पूरे भारत घूमते हुए मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बोलें, और आप लोगों को वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, कहीं भी आप लोग को बहुत मदद होगा। आप कैसे बात करते हैं लोगों से, आपको हेल्प कैसे मिलता है, ये बहुत मतलब ज़रूरी होता है। फर्स्ट में मुझे भी हेल्प नहीं मिलता था, काफ़ी दिक्कत होता था, दिन भर खाता नहीं था, रुकने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, लोगों से अप्रोच करके ही रुकूँ, किसी के घर में, किसी को अपना जान परिचय बता के, कोई टेंपल में, यही सब अप्रोच करता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना है, कल्चर को जानना है। कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हर एक जगह के अलग अलग कल्चर को मैं देख पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ कैसा वहाँ का कल्चर है। बहुत कुछ देने वाला आप लोगों को, तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ और जो दिखाने वाला आप लोगों को, शायद ही कोई दिखाते होंगे, और ये तो गारंटी दूंगा, आप 100% रख लीजिए कि मैं जो आप लोगों को देने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊँगा, अगर पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हो, मेरे हर एक वीडियो को, तो हर एक वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बुरी खबर भी है मेरा, क्या ही बताऊँ, इंस्टा पे मैंने अभी तक बोला नहीं है, मेरी जो है चाची डेथ कर गई है, और आज लगभग आज 5वां दिन है, तो ये बहुत बुरी खबर है। और सबसे अफसोस की बात है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और आप लोगों का बहुत किसी का सवाल होगा कि यार क्या तुम जाना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस जगह पर हूँ और मुझे क्या करना है, कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, आपको लास्ट में पता चलेगा। कि देखो, ट्रैवलिंग में बहुत ऐसे सारे दिक्कत आए हैं, बहुत ही दिक्कत चल रही है, लेकिन उन सारी दिक्कतों को सामना करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो है रियलिटी है, मैं सच्चे बात बताता हूँ। तो चलिए, सब कुछ हो गया फाइनली, अब साइकिल मेरा बैठ गया, और साइकिल का कुछ काम बाकी है, साइकिल का, क्योंकि साइकिल भी काफ़ी दिन से चल रहा है तो उनका भी काफ़ी सारा दिक्कत होते जा रहा है, साइकिल में कहाँ से बनवाऊँगा पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि साइकिल भी कहीं ना कहीं बनवाऊँ और सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, मैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी से बनवा लूँगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे साथ है, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, जो है मैं क्लियर बता रहा हूँ। बाकी चलिए, और मैं दिखाने वाला हूँ, ये है मेरा रूम, इस साइड में लाइट लगा हुआ है, लो लाइट है तो थोड़ा सा कम वीडियो हो जाएगा, और पूरा मैं दिखाने वाला हूँ कल, और सारा कुछ बता दिया कि कैसे आया कैसे नहीं, और केरल तमिलनाडु में मैं कुछ नया करने वाला हूँ जो आज तक किसी साइकिलिस्ट ने नहीं किया है। ट्रेवल तो किया है, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ अभी तक किसी ने नहीं किया है, आई होप कि वो हो जाए, क्योंकि मेरा भी प्लानिंग है, बस मेरे पास वैसा कुछ है नहीं कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन प्लानिंग है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ के लोगों से बातचीत करके कि वो हो जाए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भाई अब भाई कुछ करने वाला है अच्छा चीज़, जिससे आप लोगों को भी बहुत मदद मिलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।